ओवरऑल स्पेस अभी थोड़ा सा बढ़ गया है ना। सुबह सब साबुन से साफ करेंगे साथ। अब लगा दीजिए इसमें। अब कितना सुंदर लग रहा है ना, उतना जगह। अरमानों की फरमाइश थी, यही फरमाइश थी कि झाड़ू लगाना है। रोज तो लगाता हूँ इसमें नया कैमरा। क्या कहा था नीचे। और अब देखिए इधर से कितना ही प्यारा लग रहा है। इधर बेड हो गया, बीच में फ्रिज और इधर बॉक्स और यहाँ पे खाने बनाने वाला। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे एंड हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। दोस्तों लेट ना करते हुए सबसे पहले बता दें कि अभी जा रहे हैं हम लोग अपने घर को, जो कि प्यारा सा घर को हम लोग सेट करने, क्योंकि अब आ गया है गर्मी का मौसम। अब गर्मियों में पंखा चलाने से बहुत गर्म हवा दे रहा है, तो अभी हमारा कूलर भी चालू होने वाला है। कूलर बहुत पहले से ही लगा रखे हैं हम लोग, बट उसका पंखा शायद खराब है मोटर, बट देख लेंगे। अभी हम तो खुद ही इलेक्ट्रिशियन है, बनाएंगे उसको। और उससे पहले करती हूं, आप सब बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, प्यार प्यार कमेंट कीजिएगा, उसके लिए आप सभी को हाजिर। और सबसे पहले धन्यवाद आप सभी को कि आप सब ने हमें रास्ता दिखाया, आप सब ने इतना प्यारा प्यारा कमेंट किया कि ऐसा व्लॉग चाहिए, ऐसा अच्छा लगता है, तो ऐसा ही व्लॉग आएगा। बाकी आप सब बने रहिए हमारे साथ। मानसी बेटा इधर है, अनुज आ गया है, तो चलिए सब लोग मिलजुल के अच्छे से पूरे घर को सेट करते हैं और दिखाते हैं फाइनल लुक कैसा लग रहा है हमारा घर। तो इससे क्या होगा, काफी स्पेस बढ़ जाएगा, हटिए बेटा, है ना। और आप टेप कीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं ना, फ्रिज को इधर साइड करते हैं, क्योंकि बॉक्स को ऐसे करना है। अरे उसमें लाइट नहीं है खजल। अच्छा। और बॉक्स को यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो चलिए बने रहिए आप सब, बहुत मजा आने वाला है, इसलिए अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए फ्रिज का लाइट कट कर दीजिए और हम फ्रिज को सेट करने के मतलब आधा घंटा बाद तक चालू नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कंप्रेसर वगैरह हिल के रहेगा ना, इसी वजह से थोड़ा सेट हो जाएगा। तब मदद कीजिए थोड़ा श्रीमान। पीछे देखे हम लोग गिरा बैठे थे, प्रोडक्ट बहुत सारा। आज एक वीडियो भी शूट करना है, आज देखिए मैं दिखा दी उधर क्या क्या गिरा है, इसलिए मैं और परेशान हो रही थी दिखा। बस कीजिए, आप लोग मानेंगे नहीं, इतना छोटा घर है ना कि जो आते हैं हमारे YouTube फैमिली तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि मतलब इतने छोटा में वीडियो में बहुत बड़ा दिखता है। देखिए हटी, आप उधर मत जाइए। अरे पीछे रहिए, आप कुछ भी हो सकता है, घर में दो चार दिन से नहीं थे हम लोग। कहीं भी हाथ मत लगाना। पहले तो सबसे पहले हैंड साइड करे कोई बॉक्स हो गए ना। है जूता तो नहीं, साइड में रखें, हाथ अंदर मत करो जूता में। कितना अच्छी खिलौना है, बहुत डर लगता है दोस्तों, मेरा ही घर कितना है। मैं डेली वो, लेकिन फिर भी खेतों में है ना विश्वास नहीं होता है, कुछ ही देर में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए देख बालो होता है शॉर्ट। कितना देर वाइन है, कितना तेज। उसको धोना है, उस टेडी बियर को भी धोना है, उस टेडी बियर को भी धोना है। चलिए मदद करा देते हैं, मंदिर का सामान में मंदिर में रखने देती हूँ। मानसी बेटा पूजा की थी, फ्रेश करते हैं। हटिए बेटा, हटिए भैया, ऊपर जाइए। ए आराम से, देह बचा के करें हम लोग। पीछे जाओ बेटा, आप पीछे जाओ। ए आराम से हम उठाते हैं। कितना खाली लग रहा है ना, यही खुल गया थोड़ा सा, तो एकदम यहाँ आपका दवाई है। मंदिर में मैं रखी हुई थी, मैं लिया। चलिए मैं झाड़ू लाती हूँ, ठीक है। अरमानों की फरमाइश थी, यही फरमाइश थी कि झाड़ू लगाना है। रोज तो लगाता हूँ इसमें नया कैमरा। क्या कहा था नहीं जी, हमारे कसम कहा था नहीं, एक गिलास पानी तक नहीं देते हैं। हे भगवान, तू हमारे कसम कहा था। कभी काल दे देते हैं पानी, बहुत दिन हो गया। मान लीजिए कई बार बोतल मांग लो पानी के, खोल खोल के देने। हाँ काफी, मान लीजिए मैं बैठ के कहीं इधर खाना खा रही हूँ, पानी बोल गई तो फिर से निकाल कर दे देते हैं। तो ना
नहा दे तो ना मन निकल जाने की मन ले एक बार एक बार ईमान से चिल्लाते चिल्लाते हार गए हम का को बेटा हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं एक ही बार में नहीं बेटा 8 बज रहा है रात का 8 बज रहा है आराम से इधर खाना है थोड़ा आराम से झाड़ू लगाइए हम उधर जस्ट अभी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उठाएंगे दोनों लोग तो फिर उधर जाके फिर उधर से आना और इधर ना ज़्यादा ऊंचा नहीं करेंगे हम लोग एक एक ईंटें लगाएंगे और खाना हम कोशिश करेंगे इस पर पटरा रख के कस ना इस पर पटरा रख के पर बनावे के बाग का कोशिश करेंगे देखेंगे टेंगे 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 हाँ आपको ओम भूर्भुवस्तु याद है मन से 3 साल के थे तब भी इसको याद था ना अब सुनाओ तो अब कितना याद हुआ है अरे मम्मी मैं फोन में सीख गई हूँ फोन में सीख गई हो तो सुना दो दोस्तों को भी नहीं मैं कल सिखाऊंगी अभी कल सिखाओगी दोस्तों को ठीक है बेटा नहीं हाँ एक एक मतलब हाँ करके वैसे नहीं नहीं आई मैंने गैस चूल्हा और हमारा आपन सामान है जैसे सीधा करना पड़ा ए में कौन बात बारा मु रखा नहीं करे वाला बानी मानसिक टेंशन देख अब ऐसे से सोच लीजिए ये बॉक्स कितना इंच का है इतना ही बड़ा है ऐसा नहीं हो पा रहा है चौकी कितना सब थोड़ा छोटा है हमारा घर कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे सबको साइड कर दे देखे हम लोग इसलिए मैं बोलती हूँ पेटवा अनुज भी दब गया था हम भी दब गए देवाल हिले लागल हो देखो तो डरा रहा अनुज जब बचपन में था ना तो गिरा गिरा था तो पतीला पचका दिया था फिर हिल के देवाल हिला था इस टाइम देवाल हिला दिया इधर इधर चल हाथ पसंद हेलम लगाओ पड़ेगा अब बॉक्स और पीछे जाई जा इतना खड़ा बनी हूं ना एकदम तो है ना लगा भाई आओ तन हम मम्मा चलो मैं इधर पकड़ो हम लोग कर दिखा वेरी गुड अब उठाइए हम उसमें और दे देते हैं उठाइए दोनों लोग में सीधा कर देते हैं जगह ना है ना उन जगह का पूजा कहीं कर पूजा यहाँ से खड़ा होके करेंगे उसको ठेल लें तो उधर मैं खाना कैसे बनाऊंगी अच्छा अनुज अनुज ठेल ईंटा सही से चल जाए मम्मा मेरे हाथ पकड़ के पकड़ के रात कर रहा है मम्मी रात कर रहा है मम्मी रात कर रहा है अब कितना सुंदर लग रहा है ना उतना जगह छोड़ रहे थे तो फ्रिज यहाँ आ जाएगा तो मैं उधर हाँ कोई बात नहीं चुप बोर्ड हटाना पड़ेगा ना यहाँ से उठा के ऊपर सेट करना हाँ तो यहाँ पे सेट करना हाँ। लेकिन बोर्ड वहाँ पे सेट कैसे होगा यहाँ पे तो चलो वैसे ही कील मारना पड़ेगा फिर है ना हाँ बोर्ड हटाना पड़ेगा तब जाकर फ्रिज आएगा इतने एरिया में ये क्या हो गया लाइट कट गया कट गया हाँ अभी अंधेरा हो गया वो डीसी वाला बल्ब हम लोग ने लगाए थे जब क्या है इन्वर्टर नहीं खरीदे थे तब अभी खरीदे हुए हैं तो अभी भी चलता है बहुत अच्छा बल्ब है वो हो गया बस क्योंकि इस बोर्ड का ना हम लोग लाइट कट कर रहे हैं बोर्ड को हटाना है फ्रिज के पास से लाइट नहीं रखना चाहिए फ्रिज के पास या फिर सिलेंडर के पास लेकिन जगह कम होने की वजह से मैं वहाँ खाना बनाती हूँ हर चीज़ का हो गया जल गया अब क्वालिटी थोड़ा ठीक आएगा हम्म
तूरा ताने अब सोच रहे फ्रिज यहाँ रहेगा तो पूजा कैसे करेगी, तो यहाँ इतना ही तक रहेगा ना, तो यहाँ ऐसे करेंगे। अब कल मंदिर सारी चीजें ये सब साफ करेंगे, आज घर से तो देख सकते हैं कैसे झाड़ू उड़ू करके सो जाऊंगी। हाँ हाँ, इसको साफ कर दीजिए ना थोड़ा थोड़ा सा निकाल ना, उसमें देखिए क्या बैक्टीरिया है, टेस्टर था। इसको साफ कर देते हो थोड़ा, मैं आधा घंटा बाद हम फ्रिज चालू करेंगे है ना, आराम से जी बस। खुल जाए इतना मैं अलमारी को। हाँ खुल जाएगा। नहीं खुल क्या मंदिर हो? कोई ना हल्का से खोल के कुछ निकाल लेंगे, फिर मंदिर को उठा कर फ्रिज पर रखेंगे, फिर खोलेंगे, फिर लगाएंगे, ऐसे करेंगे। चलिए सब कुछ सेट हो गया, अब इधर भी स्पेस हो गया यहाँ बैठने के लिए, इधर भी स्पेस हो गया, और ये बीच का स्पेस हो गया जो पहले नहीं था है ना, और इधर काजल आराम से बैठ के खाना बनाऊंगी या फिर, और हमारा अब कूलर भी चल जाएगा है ना, ये कितना अच्छा सेट किया, और यहाँ बेड से उठे काजल इसमें से पानी निकाल कर कटक जाएगी। ये आइडिया किसका था, दिमाग तार दिमाग अलमारी के खिसका, नहीं 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 मैं अलमारी खिसका तो फिर वैसे सेट भी नहीं होता, वो ये पिचक गया है पूरा नीचे का सब बोर्ड, वो कहीं सेट नहीं हुआ। लाइट देखा है मैं नहीं, अभी फ्रिज में लाइट अभी मत दीजिएगा, अब फ्रिज में ना वही तू एक काम करो, है झाड़ू उड़ मार ला इसको, चलिए मैं सब सफाई कर देती हूं, अब बोर्ड और इसको मैं मंदिर सारा वहां सेट कर देती हूं। बुझ गया? हां बुझ गया। और अभी देखिए हम सेट कर रहे थे, कितना अच्छा छुरछुरी मिला तो मैं लगा दी, और ये श्री राम जी का अयोध्या का मंदिर लगा दिया हमने, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और पूरा न्यू कपड़ा भी पहना दिया, वो वाला कपड़ा इसमें मैं रखी हूँ, मैं ये जिलों का धोने के लिए इसमें धोऊंगी सुबह, और धो के रखी थी मैं वाला, इसलिए वो वाला चुनरी उड़ा दी, और एक मेरे पास एक ही चुनरी है तो मैं खरीद के लाऊंगी दूसरा, तो वो एकदम धोने के टाइम हटाऊंगी। और ये देखिए आधी छिपकली चेक कर लगा, हाँ करिए ना चेक करो, ए बेटा आगे सब आगे सब भागो भागो, बन जाए बना देंगे भाई, खाली पंखा है तो करेगा, ओके लाइट जाएगा, हाँ लाइट जा रहा है। क्या छुपा कर रखी है मम्मी बताओ, अभी छुरछुरी क्यों जला रही हो? तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कितना ही प्यारा लग रहा है, यहाँ पे खड़ा होकर आराम से पूजा किया जा सकता है, और फ्रिज आ गया यहाँ पे, बॉक्स आ गया यहाँ पे, इधर खाना बन जाएगा, और सिलेंडर को आप सबका कमेंट आ रहा था सिलेंडर को, तो सिलेंडर इस साइड कर देंगे, चूल्हा और आगे घसका देंगे है ना, हाँ, हाँ, ये आईडिया सही है। तो सिलेंडर भी अब सेट हो जाएगा क्योंकि स्पेस कम है, अभी कर देंगे, और इतना ही स्पेस बचा है बस, इधर कैमरे में बहुत बड़ा लगता है लेकिन छोटा है वो चला, कोई कोई सब्सक्राइबर लोग मिलने आते हैं तो बोलते हैं ना, तो और ये आगे का स्पेस बचा है इतना, तो अब पहले से तो ठीक है लग रहा है ना, और यहाँ से कूलर चल जाएगा हमारा, अभी चेक किए थे तो अभी चल नहीं रहा मोटर, मोटर में प्रॉब्लम है, खोल के ग्रीसिंग कर देंगे हो जाएगा है ना, उसमें पैसा भी रखा था मैं, मिलेगा तो मेरे को देना, मेरा है मानसी का घड़ी मिल गया है ना, और भाभी का थोड़ा मोनेटाइजेशन ऑन करना है। कल केक कटेगा ना बेटा, दोस्तों से बोलो थैंक यू दोस्तों, अब दोस्तों को खाना बना के नहीं खिलाओगी, हाँ मेरा है गिरा नहीं हुआ था, तो चलिए दोस्तों फटाफट से कर लेते हैं, तो अभी दोस्तों गाड़ी लगा दिए हैं जाके उस वाले घर पे, और
अभी काजल और मानसी अंदर में है, मच्छरदानी लगा दी है। और अब देखिए इधर से कितना ही प्यारा लग रहा है, इधर बेड हो गया, बीच में फ्रिज और इधर बॉक्स और यहाँ पे खाने बनाने वाला। तो अभी घर अच्छे से सेट नहीं किए हैं क्योंकि सुबह में करेंगे पूरा अच्छे से सेट, बस ऐसे ही साफ करके रख दिए और नीचे में झाड़ू लगा दिया। अब देखिए अब इधर से देखा जाए ना, ओवरऑल स्पेस अभी थोड़ा सा बढ़ गया है ना। सुबह सब साबुन से साफ करेंगे सर। ये बीच वाला काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ बैठो अपना, इधर तो बढ़ल बका जल स्पेस ना, इधर भी हाँ, मेरा मंदिर दिखाइए ना। कहाँ है? नीचे वाला सजाएंगे। अच्छा ये इधर भी मंदिर है। और ये देखिए प्रॉपर श्री राम जी का। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों ये है नेक्स्ट डे एंड अभी सुबह सुबह काजल देखिए क्या कर रहे हैं। किचन में लाइट नहीं लगाए थे, हाँ निकाल दो तो उसी का वायर है ये। और अभी सुबह सुबह फिर से सफाई में लग गए हैं। ऊपर मार दो बक्सों पर, पूरा फिर से साफ सफाई में लग गए हैं। और सिलेंडर इधर कर देना है। सिलेंडर अब हो गया उधर, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चूल्हा रहेगा यहाँ पे है ना, डिब्बा वब्बा धो के फिर रखेंगे। तो अभी इसको पूरा पोंछना है, तो कपड़ा धोवा दो बड़का कंबल ठीक है। और तो दो बाल्टी ये वाला चावल जो था ना बाल्टी में डाल दिए। काजल फ्रिज को सफाई कर रही है, अभी पोंछ रही है इसको, एकदम क्लीन कर रही है। अब दीवार में सट गया था, थोड़ा सा बोलेगी साइड कीजिए। हाँ, क्योंकि दीवार से कभी भी दूर रखना चाहिए फ्रिज कंप्रेसर को। कंप्रेसर हीट होता है ना। तो चलिए दोस्तों अभी फ्रिज भी ऑन कर दिए हैं तार वार लगा के, बाकी इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अभी कहीं निकलना है हमें, वो वाला ब्लॉग आप सबको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। चलिए इस प्यारे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।